क्या पूछ रहे थे? चाय के लिए। हाँ बोल देता ना। सब बस बेटा नहीं बताऊंगा, मेरा दोस्त बताएगा ज्ञानी। क्या है मोहित भाई? स्विफ्ट है यार। कौन सा? शर्मा जाता है। तो जैसे ही प्राइस ड्रॉप कर दिया था ना, तो मारू नहीं ने चेक काट के दिया था उनको। तो अरे तो बैठे रहने दे भाई, क्या दिक्कत है? जो सही बात है वो सही बात है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज हम आए ऑटो एक्सपो में, और मोहित को देख के पहचान गई हो गया। आज से करीबन कितने एक साल पहले पिछले टाइम भी ठंडी में हम लोग आए थे, और खूब सारी वीडियोस वगैरह बनाई थी, ठीक है। बाकी आपने देखी होगी, जो चैनल पे पुराना उनको तो पता होगा। बाकी पिछले दिन मोहित के साथ था, और बाकी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हम बैठे हैं भाई हालांकि XUV 300 में। तो भाई यहाँ पे मतलब काफी सारी गाड़ियां खड़ी है, तो मैंने सोचा पहले वीडियो के स्टार्टिंग कर देते हैं अपन, ठीक है। तो अपन आ गए थे उधर से XUV 300 देखने, यहाँ पे ये लोग आ गए अपन को काय देख रहे हैं। क्या पूछ रहे थे? चाय के लिए। हाँ बोल देता ना। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया। बुला ले। चल छोड़। तो भाई जब हम आ रहे थे ना, तो मोहित भाई ने मुझको एक चीज बोली थी कि भाई जूते अच्छे पहन के आना। अरे इधर आना मोहित। अब मैंने पूछा भाई जूते क्यों अच्छे पहनने, कहते हैं कि भाई अपन ना कोई बड़ी गाड़ी की कंपनी में बैठेंगे, मर्सिडीज वगैरह में, तो अपन को बोलेंगे नहीं। मैंने कहा सच में? कहता है हाँ भाई। और अभी एक बंदा बेचारा वहाँ पे जाके मर्सिडीज में अपना बैठ गया था, तो वो आया, उसने क्या काम किया, यही थी नहीं ये तो वॉल्वो, उसने ऐसे ऐसे किया, बोले नहीं नहीं वापस आ जाओ। बोले ऐसी बेइज्जती हुई थी ना बेचारे की। लेकिन अब ठीक है यार, क्या करें। ये देखो बाकी साहब पूरे वीडियो बना रहे हैं। बाकी बाहर शो चल रहा है, तो हम अंदर ही अभी अपना वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। खूब पब्लिक है, आधे लोग को तो लेनी नहीं है, बस आ गए टाइम पास करने, देखने हम लोग की तरह। भाई ये वाली गाड़ी ना आपको देखने से लग रही होगी मिनी कूपर, लेकिन इसका असली नाम बताऊं? मैं नहीं बताऊंगा, मेरा दोस्त बताएगा ज्ञानी। क्या है मोहित भाई? स्विफ्ट है यार। हाँ कौन सब्जेक्ट? हाँ क्या है वो? अभी ना देखो उधर मत देखो, इधर देखो। इधर क्या है ना, स्विफ्ट का भी जो 2024 में नया जनरेशन वाला मॉडल वो आ रहा है, ठीक है। और ये है मस्टैंग, जो भैया खा रहा बिस्किट है ना। ये इधर आ जा मोहित। ये है, ये कौन सी है मोहित भाई? ये है मई। चल देख ही नहीं रहा। वन ऑफ द सेफेस्ट कार का इंटीरियर देख रहे हो अभी आप, वॉल्वो। वाह ये होती है भाई मार्केटिंग स्किल, वैलिड ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड। ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी का प्राइस ही ड्रॉप हो गया जहाँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यहाँ पर इस गाड़ी की स्टार्टिंग हुआ करती थी करीब अपना 16-17 लाख रुपए से, अब ये देखो 10,74,000, मतलब 12 लाख रुपए ऑन रोड भोपाल में, मतलब 12-13 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे गाड़ी की कीमत 16-17 लाख रुपए से स्टार्ट होती थी। मेरे को तो कहीं से भी, मतलब मेरे को भाई 13 लाख रुपए में ही वर्थ नहीं लगती है गाड़ी, जिस तरीके। भले ठीक है बहुत सारे इसके कॉन्स और प्रॉन्स होंगे, बट मेरे को तो नहीं लगती यार ये कहीं से भी किसी लेवल की। मतलब यार जो एक ऑफ रोडिंग वाली वो होती है यार, रगेडनेस और सब चीज़, ये देखो मेरी हाइट देखो, मैं इससे बड़ा हूँ। मतलब यार एक वो होता है ना थोड़ा बहुत यार, भले हल्की है तो क्या ये फंसती नहीं है ज़्यादातर जगह। बाकी अपने YouTube पे तो बहुत सारे इसके वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे, बट मैंने अपना आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। कैसी लग रही मोहित गाड़ी, कैसी लग रही है? मतलब अगर मैं तेरे को 15 लाख दूं तो ये लेगा या थार लेगा? ना देखा, ये यार हर इंसान की, मतलब यार थार से आप इसका कंपैरिजन कर रहे हो, और भाई 17 लाख रुपए से स्टार्टिंग करी थी। और पता है जहाँ तक सुनने में भी आ रहा है कि जिन जिन लोगों ने गाड़ी ले ली थी ना, तो अब जब इनने जैसी प्राइस ड्रॉप कर दिया, अरे शर्मीले धरा, शर्मा जाता है। तो जैसे इन्हें प्राइस ड्रॉप कर दिया ना, तो मारू ने चेक काट के दिया था उनको। अरे तो बैठे रहने दे भाई, क्या दिक्कत है? जो सही बात है वो सही बात है। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया है ना भाई। ये ब्लैक नहीं है, यहाँ पे इनकी ना लाइट ही चली गई है, हमारे में तो फ्लैश है। लेकिन ये लो, हम तो एलिवेट में बैठे थे। वाह यार, ये तो इसमें सनरूफ भी आती है। अभी दिखी ये अब दिखी? हाँ बजट काम है। इंडिकेटर चालू कर।
हाँ इंडिकेट उसको हजार्ड लाइट्स ही कहते हैं यार मोहित। अरे आ गई वाह यार भाई। एक तो बाहर ये लोग इतनी तेज से म्यूजिक बजा रहे हैं ना, तो इसलिए मैं अंदर ही है गाड़ी में देखना। यार ये देखो ये वाली है एक अपनी नई कंपनी BYD करके, ठीक है। तो उसमें इसका पूरे इंटीरियर वगैरह है। बाहर से देखने पे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो गेम वेम नहीं आता, जैसे वो अपने मॉल वॉल में रखे रहते हैं, वो स्टेयरिंग व्हील लगा रहता है, गियर वियर डाले रहते हैं ऐसा। बाकी जब अंदर बैठे बहुत प्रीमियम गाड़ी यार, बहुत तगड़ी प्रीमियम गाड़ी यार। ये देखो गियर वगैरह, इन्फोटेनमेंट सिस्टम, मतलब ये इससे बड़ा तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है बताओ। ये बड़ी सी पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है अपन को, ठीक है सही है। अब क्या है ना भाई, गाड़ी में मोहित को मैंने अपने साथ इसलिए बैठाया था क्योंकि अब क्या ये गांव के गंवार अनपढ़ लोग, अब इनको देखेगा भाई हमको बाहर निकले, हम बाहर कैसे निकले, क्योंकि इधर इधर इनको कहीं भी ग्रैब वो दिख ही नहीं रहा खोलने वाला बटन। तो मैं बताता हूँ यार, इसमें असल में क्या है, थोड़ी सी नई गाड़ी ना टेक्नोलॉजी वाली, ये ऐसा खुल गया, ये बंद हो गया। वाह एमिट लाइट देख रहे हो कितनी प्रीमियम फिनिश वाली है। तो भाई अभी जो मैंने आपको बताया था ना BYC कंपनी करके, तो BYC में मैं और मोहित बैठे थे, मोहित इधर देखो। तो उसमें बेसिकली क्या था कि उनने हमको पूरा बताया कि ये बेसिकली चाइना की कंपनी थी और गाड़ी करीबन 36 या 32 लाख रुपए करीब से स्टार्ट है। दो मॉडल ही आते हैं उसमें, बाकी उनका जो MP में, MP में, एक मिनट में मिल रहा हूँ प्लीज, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर से मिल लूंगा, आप एक मिनट रुक जाइए बस, मैं थोड़ा व्लॉग कर लूँ। तो उनने बताया दो वेरिएंट आते हैं 32 लाख और 36 लाख का, ठीक है। तो मैंने भी देख लिया भाई कैसा क्या, मतलब EV गाड़ी बनाते हैं बेसिकली वो पूरी। और बाकी अभी हम बैठे हैं भाई वरना में, ठीक है। अब उन गाड़ियों के बाद वरना तो बिल्कुल ऐसी लगते हैं क्या बताएं। अब ये छोटी सी सनरूफ मिल जाती है, इसमें मोहित जैसा इंसान निकल जाएगा आराम से। बाकी ये थोड़ा सा ना तो वैसे टिल्टेड अपनी तरह, बाकी ऑटोमेटिक इसमें अपन को मिल जाता है ये ऐसे करके, ऐसे अपन गरीबों की तरह कोई ऐसे आगे पीछे नहीं करना, आराम से बढ़िया अपना लग्जरी में बिल्कुल करूँ। इसमें नहीं मिलता, हाँ तो इसमें फिर कॉस्ट कटिंग करी होगी कंपनी ने भाई, सिर्फ इसी में देता है, थोड़ा अपनी तरफ टिल्टेड है जो भी आप इन्फोटेनमेंट देख रहे हो। बहुत बड़ी स्क्रीन यार, मतलब सही में मतलब इतना, मतलब स्पीडोमीटर वगैरह इतना बड़ा नहीं है इसका जितनी बड़ी स्क्रीन है। दो टैबलेट आ जाए यार ऑन एन एवरेज साइज के, एक बिलोंग दो बिलोंग, बाप रे। और इसमें कितना, इसमें होगा करीबन इसमें एक बिलोंग मान लो। बहुत बड़ी सी मतलब टैबलेट है यार, मतलब सही में ये देखो। और ये इससे ही खेले जा रहा है अपने ऑटोमेटिक, अबे ऑल्टो वाले इनको कहा, ये तो हाथ से आगे पीछे करने वाले हैं। सही यार गाड़ी, मतलब MG यार बहुत तगड़े यार, बहुत तगड़े। मर्सिडीज जी वैगन लैम्बोर्गिनी उरुस, ये मत समझना कि भाई ये नेक्सा ब्लू कलर है, बहुत शानदार कलर है ये। एक मिनट बड़े भाई मैं बना लूँ वीडियो, मेरे तो यूट्यूब डलेगी, आपकी भी डलेगी यूट्यूब पर, हाँ अंट राजूरिया ब्लॉग्स सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। तो यार बेसिकली पता है जितनी भी जीप की कंपनियां होती है ना, जो मतलब इंडियन कंपनी नहीं होती, मैं इसमें कोई भी कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज बता रहा हूँ, वो तो सोचती बहुत है यार दूसरों के बारे में। अब देखो क्या है कि बेसिकली आजकल जो कंपनी आ रही है ना, उसमें क्या आ रहा है, ये जो लॉक और अनलॉक का फंक्शन है ना, ये सिर्फ उस साइड ही आता है। तो क्या आपको ड्राइवर पर रिलायबल रहना पड़ता है कि प्लीज गेट खोल दो, बट इसमें क्या, इसमें देखो आप मतलब ऑटोमेटिकली खुद भी गेट खोल और बंद कर सकते हो और इजिली बाहर निकल सकते हो, ये चीज काफी अच्छी है।